जिक्र करेंगे। अब नाइट कल्चर को ना कह दिया गया है। प्रदेश सरकार ने इंदौर में नाइट कल्चर पर रोक लगा दी है और इसके लिए आदेश भी जारी हो चुका है। आखिर क्यों बंद किया गया नाइट कल्चर, आइए जानते हैं। इंदौर एमपी का वो शहर जो दिन रात गुलजार रहता है, देश के बड़े शहरों की तरह इंदौर भी अपने नाइट कल्चर के लिए मशहूर रहा है, लेकिन अब नहीं। इंदौर में नाइट कल्चर पर रोक लगा दी गई है। प्रदेश सरकार ने नाइट कल्चर बंद करने का फैसला लिया है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इंदौर के जनप्रतिनिधि नाइट कल्चर बंद करने के पक्ष में थे और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों की बैठक में नाइट कल्चर पर रोक लगाने का फैसला लिया है। हम इंदौर के सब जनप्रतिनिधियों ने बैठकर बैठक के पहले निर्णय लिया कि इसके प्रति सबकी क्या भावना है, तो माननीय सभी माननीय विधायकों ने कहा कि ये जो नाइट कल्चर बंद होना चाहिए। और रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड जहाँ पर कि 24 घंटे चलता है, और भी ऐसे स्थान जो जिला प्रशासन तय करेगा वहाँ पर ये खाने पीने की दुकानें चालू रहेगी। बाकी स्थानों पर हमेशा की तरह 12 बजे बंद करने का निर्णय आज की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया। प्रदेश में नाइट कल्चर को बढ़ावा देते हुए नाइट कल्चर लागू करने का फैसला लिया गया था। कारोबार में बढ़ोतरी, खरीदारी, लोगों के मनोरंजन के उद्देश्य से नाइट कल्चर शुरू किया गया, लेकिन अब कलेक्टर ने रात में बाजार और दुकानें खोले जाने के आदेश को निरस्त कर दिया है। महत्वपूर्ण निर्देश जो नाइट कल्चर है, जिसके संबंध में यहाँ पर खासतौर पर BRTS के संबंध में जो एक आदेश निकला था जिसमें रात भर दुकानें खुली रहने का आदेश था, उसके संबंध में उन्होंने निर्देशित किया है कि इसको रिवाइज किए जाने की ज़रूरत है। बताया जा रहा है कि नाइट कल्चर की वजह से अपराध बढ़े थे, देर रात तक बार और पब खुले रहते थे, नशाखोरी ड्रग्स की वजह से युवा भी बिगड़ रहे थे। इसके बाद जनप्रतिनिधियों ने नाइट कल्चर बंद करने की मांग की थी, तो अब इंदौर में नाइट कल्चर पर रोक लग गई है। हालांकि कुछ छूट भी दी गई है, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन के आसपास की दुकानें अभी भी खुली रहेंगी, बाजार, औद्योगिक संस्थान, दफ्तरों को लेकर कार्य योजना बनाई जाएगी और नए नियम लागू किए जाएंगे। मिथिलेश गुप्ता, News 18। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मनुस्मृति नहीं पढ़ाई जाएगी। यहां लॉ फैकल्टी में छात्रों को मनुस्मृति पढ़ाने की योजना थी, लेकिन प्लान को खारिज कर दिया गया। मनुस्मृति पर कौन जता रहा था आपत्ति, आइए जानते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में मनुस्मृति पढ़ाने के प्रस्ताव को वाइस चांसलर ने खारिज कर दिया है। DU की लॉ फैकल्टी का अपने फर्स्ट और थर्ड ईयर के छात्रों को मनुस्मृति पढ़ाने का प्लान था, हालांकि इसका बहुत तेज विरोध हुआ और इस प्रस्ताव को रद्द किया गया। वहीं इस मामले में BSP सुप्रीमो मायावती ने प्रस्ताव रद्द होने का स्वागत किया है। DU में लॉ फैकल्टी ने मनुस्मृति पढ़ाने का प्रस्ताव दिया था। मनुस्मृति पढ़ाए जाने के प्रस्ताव का तीव्र विरोध किया गया। प्रस्ताव को रद्द किए जाने का फैसला स्वागत योग्य कदम। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सर्व स्वीकार संविधान की रचना की। मनुस्मृति से भारतीय संविधान कतई मेल नहीं खाता। ऐसी कोई भी कोशिश करना बिल्कुल उचित नहीं है। कांग्रेस ने DU में LLB छात्रों को मनुस्मृति पढ़ाने के प्रस्ताव को लेकर PM मोदी पर निशाना साधा था। साथ ही आरोप लगाया कि ये सब संविधान और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की विरासत पर हमला करने के लिए RSS की कोशिश है। संविधान विरोधी मंशा रखने वाले लोग मनुस्मृति पढ़ाना चाहते हैं, ये निर्णय स्वागत योग्य है कि वहाँ के सिलेबस से मनुस्मृति को बाहर किया गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सोच अभी भी वही है मनुस्मृति को संविधान बनाने की, जिसको 2027 में उत्तर प्रदेश में और इससे पहले देश में जनता BJP को सत्ता से बाहर कर इनकी सोच को हराएगी। विपक्ष के दूसरे दलों के नेताओं ने भी मनुस्मृति का विरोध किया था। समाजवादी पार्टी का कहना है कि शिक्षण संस्थाओं में
मनुस्मृति पढ़ाने की मांग बीजेपी की मानसिकता को दिखाता है। मनुस्मृति का बाबा साहेब अम्बेडकर ने विरोध किया था, इसीलिए समाजवादी पार्टी भी इसका विरोध करेगी। ये भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है वो दर्शाती है। शिक्षण संस्थाओं में जिस तरीके से मनुस्मृति को पढ़ाए जाने का जो लॉ फैकल्टी है उसने प्रस्ताव किया था, वीसी ने उस प्रस्ताव को रोका जरूर है, लेकिन अभी कोई पत्र जारी नहीं हुआ है। जिसका विरोध बाबा साहब करते थे, तो समाजवादी पार्टी समझती कि जो विचारधारा समाजवादियों की है, हमारी विचारधारा बाबा साहब के रास्ते की, लोहिया जी के, नेताजी के रास्ते पे आदरणीय अखिलेश यादव जी इस पार्टी को लेके चल रहे हैं, तो हम तो समझते हैं कि जिस चीज़ का विरोध बाबा साहब ने किया था उसका विरोध समाजवादी पार्टी भी करेगी। डीयू की लॉ फैकल्टी ने अपने स्टूडेंट्स के सिलेबस में मनुस्मृति को शामिल करने के लिए डीयू की सर्वोच्च संस्था से मंजूरी मांगी थी। इसकी शिक्षकों के एक वर्ग ने आलोचना की थी। हालांकि काफी विरोध के बाद डीयू के कुलपति ने लॉ फैकल्टी के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बारिश से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हालात खराब हो चुके हैं। सरकार के दावों की भी पोल खुल रही है। बारिश के बाद सबसे ज्यादा हालात स्कूलों के खराब दिखाई दे रहे हैं। तीन तस्वीरें आपको दिखाते हैं। शहडोल में बारिश के बाद स्कूल तालाब में तब्दील हो गए, तो उधर कोरबा में स्कूल की हालत जो है जर्जर हो चुकी है। पता नहीं कब ये बिल्डिंग गिर जाए, यानी हादसे का डर छात्रों समेत टीचरों को हर पल सताता है। उधर डिंडौरी में स्कूल जाने के लिए सड़क तक नहीं है। स्कूली बच्चों के साथ अभिभावकों ने सड़क की मांग को लेकर यहां पर जाम लगाया। बारिश से कहीं राहत कहीं आफत। बारिश के बाद स्कूल बने तालाब। जर्जर स्कूल, कैसे हो पढ़ाई? सड़क के लिए सड़क पर जाम। बारिश से कहीं राहत तो कहीं आफत दिख रही है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से बारिश की अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। नदी नाले उफान पर हैं। कहीं लोग खुश दिख रहे हैं तो कहीं परेशान। बारिश के बीच स्कूल तालाब में तब्दील हो गए हैं। यकीन नहीं हो रहा तो शहडोल से आई इन तस्वीरों को देख लीजिए। ये स्कूल का परिसर है जो तालाब में तब्दील हो गया है। इसी तालाब से होकर बच्चे टीचर निकलते हैं। ये हालात बुढ़ार ब्लॉक के सीएम राय स्कूल के हैं, जहां महज एक घंटे की बारिश में स्कूल तालाब में तब्दील हो गया। तेज बारिश होती है तो हमारे विद्यालय में जो पानी भर रहा है वो पानी जो है बाहर सड़क और नालियों का पानी ही मेन गेट से अंदर घुस रहा है। हमने तो पूरी व्यवस्था कर रखी है विद्यालय के कि नालियों के द्वारा जो बारिश का पानी है वो निकल जाए, किंतु अभी कुछ दिनों से नाली का पानी और बाहर के बारिश रोड का पानी विद्यालय में घुस रहा, उसके कारण हमारी क्लासेस अव्यवस्थित हो गई। आदिवासी विकास विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि पुरानी बिल्डिंग में स्कूल चल रहा है, जल्द ही नई बिल्डिंग में स्कूल शिफ्ट होने के बाद इस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। सीएम राइज की नई बिल्डिंग एक्चुअली अंडर कंस्ट्रक्शन है। जो पुराना एग्जिस्टिंग स्कूल था उत्कृष्ट विद्यालय, उसी में सीएम राइज हम लोग चला रहे हैं और ये बिल्डिंग एक दो साल डेढ़ साल में बनके तैयार हो जाएगी। इट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम, पर अभी जो प्रॉब्लम है दैट इज सीवियर प्रॉब्लम, तो इसके लिए इंस्टेंट इसके रिड्रेसल के लिए बीओ को मैं कॉन्टेक्ट कर रहा हूँ एंड वेरी सून आई विल टॉक टू हिम। अब आपको कोरबा जिले के एक सरकारी स्कूल का हाल दिखाते हैं। जर्जर हो चुकी ये बिल्डिंग, कब गिर जाए कुछ नहीं पता, लेकिन इसमें स्कूल चल रहा है। बच्चों की जान खतरे में है, लेकिन जिम्मेदार बेखबर है। गुस्साए ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर इसकी शिकायत की। उधर डीईओ का कहना है कि जर्जर बिल्डिंग वाले स्कूलों की लिस्ट मंगवाई है और विकास खंड शिक्षा अधिकारियों के प्राप्त सूची के आधार पर आरएएस के मुख्य कार्यपालन अभियंता के द्वारा स्थल का निरीक्षण किया गया और स्थल निरीक्षण के उपरांत जो विद्यालय संचालन के योग्य नहीं थे ऐसे विद्यालयों का एस्टिमेट प्रस्तुत किया गया और उन एस्टिमेट के आधार पर उपरोक्त जगहों पर विद्यालय बनाने के लिए डीएमएफ फंड में प्रस्तावित किया गया। उधर डिंडौरी में सड़क की मांग को लेकर स्कूली बच्चों ने जाम लगा दिया। बताया जा रहा है
कि गांव में सड़क नहीं होने के कारण काफी परेशानी हो रही है, जिसके बाद नाराज ग्रामीणों ने बच्चों के साथ मिलकर सड़क पर जाम लगा दिया। गांव तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं है, बारिश के दिनों में बच्चों समेत लोगों को आने जाने में परेशानी होती है, कीचड़ के दलदल को पार कर बच्चे स्कूल पहुंचते हैं। कुल मिलाकर बारिश से राहत के साथ आफत भी आई है, जिससे लोग परेशान हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। आपातकाल पर केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि वो अब देश संविधान हत्या दिवस भी मनाएगी। इस कांग्रेस इस पर हमलावर हो गई। हाल ही में लोकसभा स्पीकर ने सदन में आपातकाल के खिलाफ प्रस्ताव पढ़ा था, जिसका विरोध कांग्रेस ने किया था। अब केंद्र सरकार ने आपातकाल के दिन यानी 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने का ऐलान किया है। सरकार ने देश में इमरजेंसी के दिन को अब संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। केंद्र सरकार ने देश में 25 जून 1975 को लगी इमरजेंसी को लोकतंत्र की आत्मा का गला घोटने वाला दिन बताया है। सरकार का कहना है कि ये दिन उन लोगों के योगदान की याद दिलाएगा जिन्होंने 1975 के आपातकाल का आम मानवीय दर्द झेला है। संविधान हत्या दिवस पर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया में पोस्ट किया है। अपनी पोस्ट में पीएम मोदी ने लिखा है कि आपातकाल कांग्रेस राज का काला दौर था। लोग याद रखें, संविधान को कुचला गया था, कांग्रेस ने संविधान की हत्या की थी। आपातकाल भारतीय इतिहास का काला दौर था। ये दिवस हमें संविधान को कुचलना याद दिलाता है। आपातकाल सिर्फ एक राजनीतिक संकट नहीं था, लोकतंत्र संविधान के साथ साथ ये बहुत बड़ा मानवीय संकट भी था। अनेक लोगों को टॉर्चर किया गया था, अनेक लोग जेल में मृत्यु को शरण हुए थे। जयप्रकाश नारायण जी की स्थिति इतनी खराब हुई कि बाहर आकर के वो कभी ठीक नहीं हो पाए। कैसी तानाशाही को भी आज सही कहने वाले लोग हाथ में संविधान की प्रत लेकर के अपने काले कारनामों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि राजनीति में आपातकाल का काला इतिहास है। 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लगाया गया। 21 मार्च 1977 तक यानी 21 महीने तक आपातकाल रहा। अनुच्छेद 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा की गई। सरकार का विरोध करने वालों को जेल भेजा गया। आपातकाल में मानवीय अधिकारों को खत्म किया गया। नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया गया था। विरोध करने पर लोगों को जेल में डाल दिया गया। पार्टी कितने बड़ा गुनाह किया है संविधान को हत्या करने का कोशिश करके, देश की भविष्य की पीढ़ी उसको ना भूले, इसीलिए संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। देश की नई पीढ़ी के अंदर उस वार्ता को आगे लाया जाएगा और स्कूलों में भी कॉलेजेस में भी भारत की संविधान के बारे में महत्व बढ़ाते हुए उस एस्पेक्ट को भी सामने रखा जाएगा। पिछले दिनों में कुछ लोगों ने, संविधान विरोधी लोगों ने कैसे संविधान को हत्या किया था। हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने का ऐलान किया गया है। केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, जिसको लेकर अब 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने का ऐलान किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर ये जानकारी दी है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का कहना है कि ये आपातकाल के बारे में जानना देश के लिए जरूरी है। ये बहुत देश के लिए जरूरी है, संविधान के लिए जरूरी है। और डॉक्टर बाबा साहेब बीआर अंबेडकर जी ने जो संविधान दिया है इस देश को, उस संविधान का रक्षा करना हम सब का दायित्व है। और कांग्रेस पार्टी संविधान की हत्या करते हैं और फिर नाटक करता है, संविधान का कॉपी पकड़ के लहराने का नाटक करता है, ये बहुत गलत बात है। वहीं से लेकर कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी का कहना है, देश जानता है कि पिछले 10 साल से किसने अघोषित आपातकाल रखा गया है।
लेकिन देश जानता है पिछले 10 साल से देश में किसने अघोषित आपातकाल लगा रखा, देश जानता है इस बात, देश जानता है कि संविधान बदलने की बात किन किन नेताओं ने की है, उसको एक एक चेहरे याद है, देश को याद है अनंत हेगड़े, देश को याद है अरुण गोविल, देश को याद है लल्लू सिंह, देश को याद है दिया कुमारी। तो भाजपा इस तरह की कोई भी कवायद करके इस मुद्दे से पीछा नहीं छुड़ा सकती। कांग्रेस पार्टी और पूरा इंडिया गठबंधन संविधान बचाने के लिए एकजुट होकर के खड़ा है। हम भारतीय जनता पार्टी को संविधान से रत्ती भर भी छेड़छाड़ नहीं करने देंगे। इससे ध्यान हटाने के लिए कोई भी नोटिफिकेशन करे। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का कहना है कि राहुल गांधी ने संविधान को हाथ में तब लिया जब अनंत हेगड़े ने, लालू सिंह और अरुण गोविल ने 400 पार होने के बाद संविधान बदलने की बात कही थी। नहीं, ये बताना चाहिए कि राहुल गांधी जी ने संविधान हाथ में कब लिया, ये भी तो बोले। शुरू से राहुल गांधी जी हाथ में संविधान लेके तो नहीं चल रहे थे। संविधान उन्होंने कब थामा, जब इनके मंत्री अनंत हेगड़े ने, कर्नाटक के जो सांसद थे भारत सरकार के मंत्री, उन्होंने जब ये बात कही 400 आप सीट दीजिए हम संविधान बदलेंगे। जब इनके सांसद, अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह ने कहा संविधान बदलने के लिए, जब इनके सांसद मेरठ के अरुण गोविल ने कहा, और एक और किसी ने बोला, तब राहुल गांधी जी को लगा कि अरे ये तो बहुत ही स्थिति खराब होने वाली है, संविधान बदल देंगे। तब राहुल जी ने हाथ में संविधान की वो पूरी किताब ली, बुक ली, और जनता के बीच में जाकर संविधान की बात कही है। 2024 के चुनाव में संविधान एक बड़ा मुद्दा था। राहुल गांधी ने अपनी हर रैली में संविधान की कॉपी दिखाकर बीजेपी पर इसे खत्म करने के आरोप लगाए थे। बीजेपी ने इसके काउंटर की कई कोशिशें की, लेकिन पार्टी सफल नहीं हो पाई। इसका असर नतीजों पर भी देखने को मिला। अब बीजेपी इस मुद्दे को विपक्ष छीनने की कोशिशों में जुटी हुई है। बीजेपी के लिए आपातकाल का दिन यानी 25 जून एक बड़ा मौका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और इसी के साथ ही